मोहाली स्थित कैमवाला गांव के सरकारी स्कूल में मां संस्था द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्मार्ट टीवी दिए गए। इस मौके पर मां संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी एसपीएस सोंधी व श्रीमती वनीता तलवार ने बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी अपने निजी कोष से दिए। स्कूल प्रिंसिपल ने मां संस्था व डीएसपी सोंधी जी को विशेष धन्यवाद दिया और बच्चों द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में बताया। इसके साथ ही मां संस्था के अध्यक्ष वरुण तलवार व उपाध्यक्ष हर्षिता सोडी ने डीएसपी एसपीएस सोंधी व वनीता तलवार का धन्यवाद किया और कहा कि दोनों ने हमेशा ही संस्था को सपोर्ट किया है। मैं वरुण तलवार, मां संस्था का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम हैं कैमवाला सरकारी स्कूल के अंदर पंजाब मोहाली में, और आज जैसे हम दो स्मार्ट एलईडी डीएसपी सोंधी साहब की तरफ से स्कूल को दे रहे हैं, और इससे पहले भी मां संस्था ने जब इस स्कूल को पिछले साल 18 मार्च को अडॉप्ट किया था, उसके बाद से लेकर अभी तक तकरीबन काफ़ी बार यहां पे डीएसपी साहब द्वारा, संस्था द्वारा काफ़ी कार्यक्रम किए गए, बच्चों को काफ़ी कुछ वितरित किया गया है। आज इन सभी मेम्बर्स का, स्कूल की टीचर्स और प्रिंसिपल और साथ ही मां संस्था की टीम का पूरा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने कोरोना के चलते हुए हमारा पूरा सहयोग दिया और आज तक दे रहे हैं। और साथ में डीएसपी साहब जो कि अपनी उन्होंने सैलरी भी डोनेट की थी संस्था को, और आज तक जो भी कार्य कर रहे हैं, ये जो स्मार्ट टीवी लाए हैं वो भी सर की वजह से आया है। और साथ में एक हमारी वनीता मैम है जो आज प्रेजेंट नहीं है, उनका भी पूरा योगदान है, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया हमेशा, और आगे भी उनका कमिटमेंट है कि वो देती रहेंगी। इस स्कूल के लिए जो हमने अडॉप्ट किया, जो हमारे फाउंडर साहब ने हमें हुक्म किया था, हमने अडॉप्ट किया है, और स्कूल के बच्चों के लिए ड्यूरिंग कोरोना जितना काम किया, जितना इन्होंने हुक्म किया था वो काम हमने किया, आगे भी जो करते रहेंगे, जो जो इनकी जरूरतें होगी, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मैडम है, जो भी जरूरत होगी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ थोड़ा सा काम रहता है जो आज मैं बोल ही देता हूँ कि जो टाइल्स का हमने प्रॉमिस किया था वो सिर्फ सरपंच साहब, कोरोना की वजह से हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, वो करेंगे क्योंकि वर्कर नहीं मिल रहे, मिस्त्री नहीं मिल रहे, और कोरोना जद ही खत्म होगा जदि हम टाइलिंग में लगवा देंगे, जो भी स्कूल की बेहतरी के लिए हमारे से हो पाएगा हम करेंगे। सर, इसके अलावा क्या बच्चों की एजुकेशन के लिए, जैसे आपने स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्मार्ट क्लासेस उनकी इससे हो पाएंगी, बट क्या इसके साथ आप उनके लिए कुछ स्टेशनरी, स्कूल बैग, समथिंग ऐसी चीजों का भी आपने नाम रखा? हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पहले भी हमने कुछ प्रोवाइड कराया है, जितना भी चाहिए था दिवाली पे और जितने भी त्यौहार थे उन दौरान जो भी बच्चों को चाहिए तो हमने प्रोवाइड करा, स्टेशनरी और भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे जब जब जरूरत है। आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है तो हमने सोचा, हमारे फाउंडर साहब ने हमें हुक्म किया कि ये एलईडी बच्चों को चाहिए, प्रिंसिपल साहब से बात करी, सरपंच साहब से बात करी, तो हम कोशिश करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए कि मतलब बच्चों को जो टेक्नोलॉजी है इनको एलईडी प्रोवाइड करके बच्चे और को सीखें और भी ज़्यादा आगे तरक्की करें। आपने तब से लेके अब तक कुछ बच्चों की एजुकेशन में फर्क देखा, जैसे आज यहाँ पे दिखाया गया बच्चों में परफॉर्मेंस आपको आपके सामने रखी गई, तो आपको लगा कि आपका प्रयास जो है वो सफल हो रहा है? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि बच्चे खुश हैं सारे, और भी पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे खुशी से, जब हम सामान लेके आते हैं बच्चों की खुशियाँ के साथ, हम अपनी खुशियाँ भी शेयर करते हैं बच्चों की खुशियों के साथ, तो बच्चे खुश होते हैं, पढ़ते हैं। और जैसे मैम ने बताया कि अभी उनके स्टेट में बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, अलग अलग विंग में, अलग अलग फंक्शन में, तो बच्चों का तो ऑटोमेटिकली बच्चे खुश होते हैं, पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दविंदर कौर, हेड टीचर सरकारी प्राइमरी स्कूल कंबाला। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जब से मां संस्था ने हमारे स्कूल का अडॉप्ट किया है, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ये को मल्टीमीडिया आ गया है, सारे बच्चे बड़े खुश हैं। हमने एक बार कहना होता है कि मां संस्था वाले आएंगे, आधा स्कूल बिना मतलब से इकट्ठा हो जाता है कि पता नहीं वो क्या लेके आएंगे। सर, हम बड़े खुश हैं कि सर अपने डीएसपी सोंधी सर, जब से इन्होंने हमारे को प्रॉमिस किया ना कि टाइल्स लगेंगी, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्कूल की बसेज लगेंगी कि हम यहाँ पढ़ने आए। बच्चों को बहुत वेट है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि डीएसपी सर को कि हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आगे स्कूल बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और बच्चों का आगे और विकास होता रहेगा। बिल्कुल मैम, जैसे हमारे फाउंडर साहब की डायरेक्शंस होगी, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। मैनू बहुत वधिया लग रहा जी, इत्थे बच्चे जो तरक्की पहला नालों बहुत कर रहे हैं, तो जो जो समान पहले ही देखे गए सके अज भी दे रहे जी, तो मैनू अपना मां संस्था तो डिप्टी साहब तो बड़ा माण है कि साढ़े नाल होर जुड़े रहोगे तो साडा स्कूल होर उच्चे जाएगा जी।